हेलो दोस्तों, आज ही हम बात करें डीजे सेटअप स्टार्ट कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, टोटल प्राइस कितना पड़ेगा, हाईच लो मीडियम सभी रेंज क्या बताऊंगा इस वीडियो में। जो जो सोच रहा है कि डीजे सेटअप किस तरह शुरू किया जाता है, इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि इसी वीडियो में आपको फुल जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चलिए, जो हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं हर रोज डीजे से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, मैं सिंपली मैं तीन तरह का मतलब रेंज आपको दिखाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, एक मीडियम रेंज और हाई और लो, तीनों का मैं अलग अलग आपको डिटेल बताऊंगा और सभी का लास्ट में मीडियम रेंज लेकर ही चलेंगे, कितना प्राइस आपको पड़ने वाला है डीजे सेटअप का और टोटल इक्विपमेंट बताऊंगा। तो चले शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको सभी का इक्विपमेंट आपको दिखने मिल जाएगा, बेस टॉप एम्पलीफायर जनरेटर डीजे फ्लोर ये सब कुछ दिखने मिल जाएगा। तो चले एक एक का मैं डीजे मतलब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करें हाईस्ट प्राइस वाला, तो हाईस्ट प्राइस में क्या क्या JBL और RCF आता है, सबसे फास्ट नंबर में यही सब दोनों आता है, तो JBL और RCF। उसके बाद आ जाता है मीडियम रेंज में आपका जाएगा स्टेंजर POD एडियोटन, ये सब का मतलब डीजे सर आपको बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। और लो रेंज में आपको दिखने मिल जाएगा, मतलब खुद बनाकर कैसे, देखिए आपको खुद आपको टॉप खरीदना बनाकर कस्टमाइज कर सकते हैं टॉप, और आप खुद स्पीकर लगाकर उसे लो मीडियम में कहते हैं, तो आप इसे लो में हो सकता है। तो चलिए किस तरह हो सकता है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, JBL और RCF का दोनों आपका हाई प्राइस में दिखने मिल जाएगा, प्राइस आप किस तरह मिले चले इसके बात कर लेते हैं। बेस तो सबसे बेस आपको देखें 1000 या 1200 वाट के बीच में हम के मैं लेकर चल रहा हूँ दोनों का, RCF और JBL का। तो एक एक प्यार आपका लगभग आपका 50 से 60 हज़ार लगभग पड़ जाएगा एक एक प्यार, उससे भी ज़्यादा पड़ सकता है, उससे जैसे आपको वेटेज के हिसाब से जा सकते हैं। मैं मीडियम रेंज में तो लेकर चल रहा हूँ, फिर भी JBL का बहुत हाई प्राइस आता है, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिएगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चले और आगे बात करें, आगे आपका मीडियम रेंज में आपको लेना चाहते हैं तो आप स्टेंजर POD या एडियोटन का कोई भी आप डीजे सेटअप ले सकते हैं। उसमें आप बेस लेना चाहते हैं 1000 या 1200 वाट का एक प्यार, लगभग आपका 30,000 से 40,000 रुपया में पड़ जाएगा दोनों, मतलब इसी सब मीडियम रेंज में। और लो रेंज में आपका आ जाता है बेस, तो बेस आप किस तरह मतलब बेस आप खुद बनाकर ले सकते हैं, जैसे जैसे आप खुद आप मतलब किसी मतलब कैबिनेट बनाकर और खुद स्पीकर डालिएगा तो लगभग आपका बेस आपका 20,000 से 25,000 में लगभग हो जाएगा। तो चलिए और आगे बात करें, आगे आ जाता है एम्प, तो एम्प आपको किस तरह लेना है मुझे बात कर ले, सभी में मीडियम रेंज में लेकर मैं बाद में बात करूंगा, सभी का हाई लोज तीनों को बात कर लेता हूँ, उसके बाद मीडियम को लेकर चलेंगे। तो देखिए आपका एम्प आपको देखिए सबसे मतलब हाई प्राइज में आपकी चलने वाला एम्पलीफायर आपका क्रोन का और QSC का आपका आता है एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर का सबसे हाईएस्ट प्राइस में आता है ये आपका 1.5 लाख करीब करीब भी आ जाता है, और जैसे रेंज में आपको लीजिएगा वैसे आपको 60-70 हज़ार में मिल जाएगा एम्पलीफायर। तो चलिए मैं कोरोना या QSC आपका 60-70 हज़ार के एक एम्पलीफायर मिल जाएगा, और स्टेंजर लो मतलब ये आपका लो में आ जाता है, ये आपका 35,000 से 40,000 में आपका बेस के लिए मतलब एम्पलीफायर हो जाएगा, और ये लास्ट में आपका आउजा आपका 50 या 30 से 50 हज़ार लगभग में बीच आपका मतलब एम आ जाएगा। तो तीनों को मैं बता दिया हूँ, मतलब लो हाई लो मीडियम हाई तीनों को बता दिया हूँ। तो चले आ जाता है टॉप, तो टॉप आपको किस तरह दिखने मिल जाए, इसमें आपको तीन भी दिखने मिल जाएगा, मतलब हाई इसमें आपका हाई में दिखने मिल जाएगा JBL RCF ये आपका हाई में आता है, तो और मीडियम में आपका आ जाता है स्टेंजर POD वही आपका आ जाएगा, और लो में आपका खुद बनाकर टॉप बॉक्स बना सकते हैं। देखिए आपका JBL में लेना चाहते तो 40 से 50 हज़ार एक टॉप आ जाएगा, और मीडियम में आपका आपका 20 से 25 हज़ार में आपका आ जाएगा, और लो में आपका खुद का बनाएंगे तो आपका आपका मतलब 17 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपया आ जाएगा, मतलब 20 से 25 हज़ार रुपया में आपका आ जाएगा। चलिए अब आ जाता है आपका जनरेटर, तो जनरेटर आपको किस तरह लेना है, लो हाइच मीडियम तीनों का ही बात करेंगे। देखिए अब हाइच में लेना चाहिए तो आपका मतलब कम से कम 20 या 25 KV का ये आपका प्राइस आपका 1.5 लाख से 1.70 हज़ार रुपया में पड़ सकता है 20 से 25 KV का, जी हाँ इतना आपको पड़ जाएगा। और मीडियम में लेना चाहते हैं 12 से 15 KV का जनरेटर, ये आपका 60 से 70 हज़ार के बीच में आ जाएगा, 12 या 15 KV में। और लो में बात किए तब 7 KV से 12 KV तक ये आपका 45,000 से 60,000 में आपको दोनों मतलब आपके बीच में ये आ जाएगा लो मीडियम में, आप जैसा मीडियम में तो लास्ट में मीडियम लेकर ही चलेंगे, ना कि मतलब हाई या लो दोनों का नहीं, मीडियम लेकर ही लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है आपका स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर आपका अभी तीन तरह आपको देखने मिल जाएगा, लो हाई मीडियम तीनों को बात कर लेता हूँ। देखिए आपका 20 KV का चाहिए तो आपका आपका 30 से 40 हज़ार रुपये में हाइच में आएगा, और मीडियम में लेना चाहते हैं तो 15 KV का लगभग ये आपका 20 से 25 हज़ार में रुपया मिल जाएगा, और 10 या 5 KV का लेना चाहते हैं तो 12 से 12 मतलब 5 से 12 हज़ार में रुपया पड़ जाएगा, आपका तीनों बीच में हिसाब से ले लीजिए उसे आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट आपका आ जाता है अब आपका मिक्सर का। मिक्सर आपका डेनेटा या इमा जैसे आपका कंपनी में लीजिएगा बेस्ट कंपनी में, ये आपका 10 से 15 हज़ार में मिक्सर आ जाएगा। उसके बाद आपका लेना चाहते हैं आपका ये आपका क्रॉसओवर, तो क्रॉसओवर अगर लगभग अच्छा कंपनी लेना चाहेंगे तो आप इसमें 7 या 8 हज़ार रुपया में मिल जाएगा, तो मीडियम रेंज में। और इसका डीजे फ्लोर का मैं दो तरफ का डीजे फ्लोर बताने से बतला वाला हूँ। देखिए एक मीडियम मतलब आपका नॉर्मली आपका फ्लोर लगेगा एलईडी वाला, एलईडी मतलब फिक्सल, फिक्सल तो आपको पता होना चाहिए, मैं एक वीडियो बना दूँ फिक्सल वाला, तो फिक्सल वाला नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा। वो करीब आपको एक मतलब 1 लाख में हो जाएगा, मतलब 80 से 1 लाख रुपया में हो जाएगा। आपका जैसा लेना है, 9-9 लेना है या 12-12 में साइज में लेना है, उस आपको मिल जाएगा। उस आप अगर वीडियो में अगर लेना चाहते हैं फ्लोर, तो मैं पहले से वीडियो बना दूँ, उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसमें आपको दो टाइप डीजे आपको 80-17 हज़ार रुपये में आपको फिक्स एलईडी वाला मिल जाएगा, या 35-40 हज़ार आपका नॉर्मल आपको फ्लोर मिल जाएगा। चलिए अब आ जाता है पारलाइट। तो पारलाइट आपको किस कंपनी का लेना, मैं इस पहले बात करें पारलाइट लीजिएगा तो आप शोभा का ले लीजिएगा। शोभा का आपका करीब आपका 3 हज़ार का एक मतलब एक का पारलाइट आपको मिल जाएगा, जो कि आपका 80 एलईडी लगभग हो जाएगा, तो 12 हज़ार रुपये में 4 आपका एलईडी मतलब हो जाएगा, 4 पारलाइट आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है लेना चाहता आप फॉग या लेजर आपको ले सकते हैं। लेजर फॉग आपका 5 या 6 हज़ार रुपया में आ जाएगा, और लेजर भी आपका 4 हज़ार 3 हज़ार में रुपया में आ जाएगा, जैसे मीडियम रेंज में लेकर चलिएगा तो ऐसा आपको मिल जाएगा। और हाइस में लेना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बढ़िया वो सारा कंपनी है, आप उसमें जा सकते हैं, वो आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए मैं टोटल आपको शायद बता दिया हूँ, टोटल आपको इक्विपमेंट बता दें, ये सब आपका डीजे में रिलेटेड लगेगा। और जो जो छूट गया मैं आपको पहले बात में छूट गया, तो आपको वायर केबल और वो सब आपको मीडियम थोड़ा बहुत मिल जाएगा, वैसे आपको नॉर्मल मिल जाएगा, कॉर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और चलिए इसका बात कर लेते हैं, और अगर इसमें JBL में लेना चाहते हैं मैं पूरा फुल डीजे सेटअप, लगभग आपको 10 या 12 लाख या 13 लाख के बीच में आपको लगभग मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ये मीडियम में मिलेगा इतना आपको, मतलब टोटल मतलब डीजे सेटअप को 10 या 12 लाख में मिल जाएगा, मतलब मीडियम रेंज में। अगर हाई में मिले मतलब लेना चाहते तो भी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि JBL का आपको JBL और RCF का पता तो है ही है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राइस आपको मिलेगा। और बात कहे तो मीडियम रेंज में आपको लगभग आपको करीब आपको लगभग आपका 5 या 6 लाख रुपया में आपको हो जाएगा। मीडियम रेंज में आपको डीजे सेटअप बनाना चाहते हैं तो 5 या 6 लाख में आराम से हो जाएगा, और लो में बनाना चाहते हैं आप इसे 3 या 4 लाख में आराम से बना सकते हैं खुद बनाकर, जो कि फुल डीजे सेटअप बनाना चाहते हो उसे बन जाएगा। तो आपको करीब इतना आपको डीजे सेटअप में लगेगा, इक्विपमेंट प्राइस भी बता दिया हूँ और टोटल इक्विपमेंट भी बता दूँ, और क्या क्या लगेगा वो भी बता